अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। आज जो मैंने ग्लिटरी आई मेकअप ट्यूटोरियल जो है मैंने बनाया है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ जो इजीली मार्केट में जो है वो आपको मिल जाएंगे। और आप जो भी मेकअप लुक आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई भी मेकअप जो है आप मुझसे देखना चाहते हैं कि वो लुक मैं आपको करके दिखाऊं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में जो है वो आप मुझे बताया करें कि कौन सा मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो आप मुझसे सीखना चाहते हैं और कौन सी लुक जो है मैं आपको करके दिखाऊं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये मिस रोज़ का प्राइमर है, इसे जो है मैं अपने फेस पर लगाऊंगी। प्राइमर लगाने के बाद अब ये आइवरी शेड की स्टिक है, इसे जो है मैं अपने फुल फेस के ऊपर जो मैं लगाऊंगी। और मैं स्पंज से जो है मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अच्छे से जो है मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब मैं ये क्लेजोना ब्यूटी का जो है ये इल्यूमिनेटर है सिल्वर, इसे जो है मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। और सेम उसी स्पंज से जो है मैं इसको ब्लेंड करूंगी। और अब मैं इसके ऊपर जो है मैं लिक्विड फाउंडेशन जो है मैं लगाऊंगी। ठीक है, तो ये मिस रोज़ का फाउंडेशन है, इसका शेड है 02। ठीक है, इसे जो है मैं फुल फेस के ऊपर जो है मैं लगाऊंगी। तो मैं इसे स्पंज में जो है मैं ले रही हूँ और मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं पाउडर से जो है मैं इसको सेट कर रही हूँ अपनी बेस को। फेस बनाने के बाद अब मैं अपने फेस को जो है कंटूर कर रही हूँ। ये क्रिस्टीन की जो है लाइट शेड की कंटूरिंग किट है, इसे जो है मैं यूज करती हूँ अपने फेस की कंटूरिंग के लिए। ठीक है, देख सकते हैं मैंने अभी लूज पाउडर जो है ये अपने जिन एरियाज पे मुझे ऑयल आता है वहां पर जो है मैंने इस लूज पाउडर को जो है मैंने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लगाकर जो वो छोड़ दिया है। ठीक है, अब मैं अपना आई मेकअप जो है मैं शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ब्रोबोन एरिया को जो है मैं हाईलाइट करूँगी। गोल्ड सा जो है मैंने शेड लिया और इससे जो है अपने ब्रोबोन एरिया को हाईलाइट कर लूँगी। ब्रोबोन एरिया को हाईलाइट करने के बाद जो है मैंने फू फेस्ट का जो है आई शेडो पैलेट लिया, उसमें से मैंने मेटालिक शेड लिया ब्लू शेड, और उसे जो है फिंगर से मैंने अपनी पूरी आईलेट के ऊपर जो है मैं शेड को जो है मैं लगाऊंगी और अच्छे से जो है मैं ब्लेंड करूंगी। ब्लू शेड को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो है मैंने पिंक सा शेड लिया, लाइट पिंक शेड लिया, और उससे जो है मैंने अपने इस क्रीज लाइन को जो है मैंने इस शेड को जो है मैंने लाइट पिंक शेड को लगाया ताकि अच्छे से जो है ब्लू शेड की जो है वो हमारी ब्लेंडिंग हो जाए ताकि कहीं पे भी जो है वो हार्श लाइंस जो है वो नहीं दिखें। ब्लेंडिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने पिंक शेड से जो है मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया।
और ब्लेंड करने के बाद जो है मैंने डार्क ब्लू शेड लिया और उससे जो मैंने अपने कॉर्नर्स को बनाया। सेम यही काम जो है मैं दूसरी आई पे भी करूँगी। दोनों आई का मेकअप जो है मैं साथ साथ कर रही होती हूँ, तो इसीलिए पहले मैं एक आई का मेकअप करती हूँ, फिर मैं दूसरी आई का भी जो है मैं करती हूँ, लेकिन वीडियो में मैं एक ही आई का मेकअप जो मैं दिखाती हूँ, ताकि वरना वीडियो जो है वो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं एक आई का मेकअप जो है मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ और एक का जो है मैं ऑफ कैमरा साथ साथ जो है मैं करती रहती हूँ, ठीक है। तो डार्क ब्लू शेड जो है मैंने सेम पैलेट में से लिया और उससे जो है मैं अपने कॉर्नर्स को बनाऊंगी और साथ साथ सेम वही ब्लेंडिंग ब्रश जो है मैं लूँगी और उससे जो है मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैंने ये ब्लू पेंसिल ली है और इसे जो है मैंने अपनी वाटर लाइन पे लगाया है। मैंने कोई वाइट, न्यूड, ब्लैक कुछ भी मैंने जो है वो नहीं लगाया। मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट जो है मैंने कहा मैं करती हूँ, तो मैंने ये ब्लू पेंसिल जो है अपनी वाटर लाइन पे लगाई। आप चाहें तो वाइट, न्यूड भी जो है वो या ब्लैक काजल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है कि आप इस ब्लू पेंसिल को जो है वो अपनी वाटर लाइन पर लगाएं। इसके बाद जो है मैंने ब्लैक शेड लिया, ये मुसर्रत मिसबा का आई शेडो पैलेट है, इसमें से मैंने ब्लैक शेड लिया और फ्लैट ब्रश के साथ जो है मैं इसे अपनी लोअर लैश लाइन पर जो है मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, ताकि थोड़ा सा जो है हमारी आज आई का जो लोअर लैश लाइन का जो है ना मेकअप, मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको जो है मैं आज डार्क करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक शेड जो है मैंने लगाया। ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो बस लाइट पिंक शेड ही जो है वो लगाएं और आप ये ब्लैक शेड जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ये आज ब्लैक जो है वो लोअर लैश लाइन पर लगाया। और उसके बाद मैंने ये प्रेस ग्लिटर हैं, ये ब्यूटी वर्ल्ड के जो है ये प्रेस ग्लिटर हैं, ये ग्रीन जो है ये प्रेस ग्लिटर है जो मैंने फिंगर से अपनी जहाँ पर मैंने मेटालिक शेड लगाया था उसके ऊपर जो मैंने लगाया। उसके बाद मैंने ये लैशेज लगाई हुदा ब्यूटी की, लैशेस लगाई। लैशेस लगाने के बाद जो है मैंने मस्कारा लगाया, मस्कारा लगाने के बाद जो है मैंने पेन लाइनर से जो है मैं लाइनर लगाऊंगी, और लाइनर लगाने के बाद जो है हमारा मेकअप जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो मैं आपको फाइनल लुक जो मैं अभी दिखाती हूँ। ये है मेरा आज का फाइनल लुक। तो मेकअप ट्यूटोरियल आपको मेरा ये कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।